हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडिशियस मुंबई। दिस इज उमंग चंदेश एंड आज मैं आरसीटी मॉल आया हूँ जो घाटकोपर वेस्ट में है। मैंने सुना है ये मॉल में एक रेस्टोरेंट है जो सब उसको स्मार्ट रेस्टोरेंट बोलते हैं एंड उसका नाम है ग्रीन ऑटो बैन। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि रेस्टोरेंट स्मार्ट कैसे हो सकती है, वो तो हमें रेस्टोरेंट में जाके ही पता चलेगा। तो ग्रीन ऑटो बैन मतलब जेन्युइनली ये रेस्टोरेंट स्मार्ट रेस्टोरेंट है बिकॉज खाना मेरे सामने जा रहा है एंड दे सर्व लाइक लाइव सर्व करेंगे, हमारे सामने आएगा। दे डोंट हैव लाइक स्टाफ मेंबर्स कम है यहाँ पे, बट द थिंग इज स्टाफ मेंबर्स की ज़रूरत ही क्या है जब ये खाना ऐसे आ रहा है। ये देखो, ये मेरे पीछे आ रहा है, बेसिकली इसमें सर्व होता है, इसमें फूड आएगा एंड टेबल पे आके रुकेगा। देखो, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक एंड बहुत नया कंसेप्ट लगा एंड आगे भी अगर मैं जाऊँगा एंड आपको ये रेस्टोरेंट के बारे में बताऊँगा तो हमारे पास ये स्क्रीन है जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं या फिर कोई कॉन्सर्ट रहेगा तो दे कैन शो लाइव कुछ भी रहेगा, तो वो एक अच्छी बात है मुझे यहाँ की लगी। एंड द थिंग इज इनका टेबल का मैं बता दूँ तो देखो, बाय वन गेट वन लिखा है, दे हैव ग्लासेस, दे हैव टिश्यू पेपर्स, ओरेगानो चिली फ्लेक्स है, सैनिटाइजर है एंड साथ में टिश्यू पेपर्स है एंड चिली भी है। तो इन शॉर्ट कुछ ज़रूरत का काम ऐसे हमें बुलाना नहीं पड़ेगा बिकॉज एज आई सेड स्टाफ नहीं है, खाना ट्रेन में आ रहा है, बट टेंशन की बात नहीं है बिकॉज इन्होंने ये सब रख दिया है। मतलब मैं बोलूँ स्पून्स है, फोक है, सब रख दिया है। एंड अगर और आगे मैं जाऊँ तो ये प्लेस बड़ी भी उतनी है मैं बोलूँ तो, बिकॉज देखो यहाँ पे मैं बोलूँ तो तीन चार आठ जन या छः जन आ जाएंगे ऐसे, एक दो तीन चार मतलब 6, 12, 18, 24 मतलब 24 टू 30 जन यहाँ पे आ जाएंगे, 40-50 यहाँ पे एंड यहाँ पे मतलब 100-120 की ये प्लेस बहुत बड़ी है। आपको मैं और दिखाऊँगा एंड मुझे जेन्युइनली अच्छी बात क्या लगी कि दे हैव द लाइव लाइक प्रोजेक्टर भी है, दे हैव अ गुड क्लॉक एंड सेकेंडली इनके पास और एक स्क्रीन है अलग से टीवी की, तो आपको मैं वो भी दिखा दूंगा। एंड ओवरऑल ये प्लेस डेकोरेट किया है, स्पेशियस है, वॉक करने के लिए जगह है, मतलब ऐसा नहीं है, देर आर मोर सीट्स अवेलेबल बट एट द सेम टाइम वॉक करने को भी जगह ज़्यादा है। एंड उसके बाद मैं अगर आगे जाऊँ तो मतलब मॉल के अंदर है प्लेस, टॉप फ्लोर पे आरसीटी में, तो वो मुझे अच्छा लगा। एंड ये जो मैं बोल रहा था ना व्हील ट्रे, वो यहाँ पे राउंड पे ख़त्म होता है, सो इवेंचुअली वो घूम फिर के यहीं आता रहेगा। एंड उसके बाद मैं बोलूँ तो यहाँ पे बार भी अवेलेबल है where you can sit or whether you can order like whatever you want आप कर सकते हो। एंड मैं बोलूँ तो ब्रांड भी अच्छी खासी दिख रही है मुझे एंड ये कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस, ये अच्छी बात है। एंड काउंटर टेबल लाइक इधर बैठ के भी अगर आपको ड्रिंक करना है तो आप कर सकते हो एंड वी हैव क्वाइट गुड लाइक ऑप्शन, ओके वी हैव क्वाइट गुड ऑप्शन, जेन्युइनली वी हैव गुड ऑप्शन हियर, तो ब्रांड भी बढ़कर मिल जाएगी।
एंड ओवरऑल मैं बोलूँ ना ये प्लेस बहुत बड़ी है, नया कंसेप्ट है, जेन्यूनली स्मार्ट रेस्टोरेंट है। एंड रेस्टोरेंट तो मैं बोलूँ स्मार्ट है, बट अब मेन चीज़ क्या आती पता है, फूड आता है। तो नेक्स्ट मैं जाऊँगा अब ये रेस्टोरेंट में फूड टेस्ट करूँगा, देखते हैं कौन से डिशेज क्या कैसे हैं, मैं आपको जेन्यूनली बता दूंगा जो मुझे कैसे अच्छा लगा, क्या कंसेप्ट है। एंड यस, आप देख सकते हो रेस्टोरेंट एक बार। तो ग्रीन ऑटो बैन, स्कैन QR कोड टू व्यू मेन्यू। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना, तो आपको ये QR कोड को स्कैन करना है, स्कैन करके मेन्यू आ जाएगा। तो चलो स्कैन कर लेते हैं। हाँ, मेन्यू आ गया। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है। अब मैं ये ओके, काफ़ी मतलब मेन कोर्स में भी है, स्टार्टर्स में भी, मतलब कैटेगरीज मिल जाएगी आपको। एंड ये ऑर्डर हो गया, अब मैं ऑर्डर का वेट करूँगा। एंड वेट करने तक फ़ोन की बैटरी थोड़ी कम दिख रही है, तो एक अच्छी बात ग्रीन ऑटो बैन की ये है कि यहाँ पे हर एक टेबल के नीचे यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हैं आप। तो मैं चार्जर लगा देता हूँ। कैसा है कि हम कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, चार्जिंग का इशू हो सकता है, बट ग्रीन ऑटो बैन में यहाँ पे हर टेबल पे आपको चार्जिंग मिल जाएगी। ये देखो चार्ज हो रहा है फ़ोन। तो यस, खाने का वेट करेंगे। अब खाना आ ही जाना चाहिए, मुझे लगभग 10-15 मिनट हो गई, देखते हैं। एंड ये देखो व्हील्स वाली कार आ गई, ये मुझे बहुत नया कंसेप्ट एंड एक्साइटिंग लग रहा है। तो ये ओके, ये रुक गया। एंड जैसे ही रुकेगा वो बोलेंगे प्लीज़ कलेक्ट योर फूड। तो ये है हम्प्टी डम्प्टी, एंड ये है फायर सुशी, एंड इसके साथ आई हैव चॉपस्टिक्स। एंड अब बाकी डिश का वेट करूँगा मैं। तो दो डिश तो आ गई है, फायर सुशी एंड हम्प्टी डम्प्टी, साथ में ये चॉपस्टिक्स है। एंड अब मैं वेट कर रहा हूँ नेक्स्ट आने का। तो यस, नेक्स्ट आ ही जाना चाहिए। एंड ये वापस व्हील्स वाली ट्रे, या मैं बोल सकता हूँ ट्रेन आ गई है। एंड मुझे बहुत जेन्यूनली बहुत अच्छा लग रहा है। मैक्सिकन भेल है। एंड अब देखो गार्निशिंग देख लो यार, इतना कलरफुल एंड इतना अच्छे से सजा है ना, काफ़ी अच्छा है। क्रिस्पी टेम्पोरा, सो नेक्स्ट डिश आ गई है क्रिस्पी टेम्पोरा। आ हा हा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट डिश का वेट करेंगे। मतलब मैंने ना ये मेन्यू इतना इजी था ना देखने में, मैंने फटाफट ऑर्डर कर दिया, एंड मतलब बहुत ऑर्डर कर दिया। अब आप देखते रहो, वो नेक्स्ट मेन्यू की आइटम भी आ गई है। एंड ये कुछ अलग है, पनीर टिक्का तो देखा होगा, चारकोल पनीर टिक्का ये, एंड इसके साथ में ग्रीन चटनी। आ हा, ग्रीन चटनी है, चारकोल पनीर टिक्का, ओके ये भी आ गया। अब और भी बाकी है, नेक्स्ट डिश भी आ गई है। एंड ये है क्या, ये जैक फ्रूट ऑलिव स्टीक कबाब लग रहा है, देखो देख लेते हैं। हाँ वही है, जैक फ्रूट ऑलिव स्टीक कबाब। एंड अब ये है मैक्सिकन फायदा विथ वेजिटेबल्स है। तो ये एक मेरे को मेन चीज़ लग रही है, बिकॉज बहुत फ्लेवर्स है इसके अंदर, 3 सॉस मिले हमें, एंड इतने सारे फ्लेवर्स आप देख सकते हो। अभी लास्ट बस 2-3 डिश बची है शायद, देखते हैं। मतलब ट्रेन ऐसा व्हील्स आ रहे हैं, मैं उठा रहा हूँ, व्हील वाली ट्रे आ रही है, मैं उठा रहा हूँ। एंड ये देखो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज ये है पिज़्ज़ा, एंड इसका नाम है मलेशियन मैजिक पिज़्ज़ा, मलेशियन मैजिक पिज़्ज़ा। यार पिज़्ज़ा का प्यार तो सेपरेट है थोड़ा सबसे, सब डिश से, बट ये सब ऐसा एकदम कंपेयर कैसे कॉम्पीट करेंगे पिज़्ज़ा को, देखते कैसा रहेगा। तो मेन कोर्स भी आ गया है, ये ऑलरेडी फुल हो चुका है, बट ये क्या है, रोटी का बकेट है ये, इसको मैं यहाँ रख दूंगा। एंड ये है पनीर लबाबदार, ओके काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब। अभी एक शायद एक या दो चीज़ बची है, मतलब ये देखो इसके इतने ऑप्शंस में ना, मतलब मैं सोचा क्या मंगाऊँ क्या नहीं मंगाऊँ, बट ऑप्शंस ही ज़्यादा थे तो मंगा लिया। हैदराबादी बिरयानी, यस। एंड नाशिक करी, ये क्या, काफ़ी हैवी है ये बकेट, गिर जाता अभी। नाशिक अली राइस है, एंड साथ में हाँ बिरयानी के साथ रायता, ये इसके बिना तो कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है सर, बिरयानी एंड रायता साथ में जाएगा। तो यस, शट अप, शट अप, ये तो बन नहीं हो रहा।
तो ये ड्रिंक आ गई है जो है जिंजर मिंट। ये क्या है? कीवी मिंट कॉलिन। ओके, कीवी मिंट कॉलिन, मतलब हर एक के ग्लास देख लो यार, क्या अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको इसके क्लोजअप्स भी दिखा दूंगा, ये बहुत अच्छा है। एंड ये मैंगो बेरी कीवी मिंट कॉलिन, एंड थर्ड वाला क्या था? जिंजर ट्विस्ट। ओके, तो ये कंप्लीट टेबल पूरा भर गया है, मतलब बहुत, मतलब खा लेते हैं। वो सबसे पहले मैं टेस्ट, मतलब कंफ्यूजिंग है क्या टेस्ट करूँ, मैं जाऊँगा पिज़्ज़ा के साथ, बिकॉज मैंने आपको बोला था पिज़्ज़ा मेरा फेवरेट है। तो यस, ये पिज़्ज़ा है मलेशियन मैजिक पिज़्ज़ा। एंड इसके कितने पीस हैं मैं आपको वो बता दूँ पहले, तो एक दो तीन चार पाँच छः है, आई गेस छः है, बिकॉज रुको देखना पड़ेगा, मैं कट करूँगा ना तभी होगा। ये यार भारी है थोड़ा सा। हाँ, ओके फाइनली, मतलब ये छः पीस है। यस, अब मैं पिज़्ज़ा टेस्ट करूँगा, मैजिक पिज़्ज़ा। सबसे पहले तो मैं बेस की बात करूँगा, बेस काफ़ी अच्छा है, एंड बेस तो अच्छा होता है यूजुअली, बट अच्छा के साथ साथ हमें टेस्ट चाहिए। तो वेजीज है, ब्रोकली है, बेल पेपर है, एंड मुझे ऊपर मेयो सॉस दिख रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड यस, मलेशियन मैजिक पिज़्ज़ा आपको डेफिनेटली ट्राई करना है। तो मैजिक पिज़्ज़ा, यस मलेशियन मैजिक पिज़्ज़ा तो अच्छा था। एंड अब मैं हम्टी डम्टी के साथ जाऊँगा, एंड इसकी गार्निशिंग बहुत अच्छे से की, मतलब तीन फ्लेवर्स के ऐसे मुझे साइड में थोड़ी सी ऐसे डिज़ाइन दिख रही है, वो देख के हमें अच्छा लगता है। एंड ये देखो आप थोड़े से, ये नूडल्स बोल सकते हैं इसको। एंड अब मैं बोलूँ तो हम्टी डम्टी फ्रेंच फ्राइज है, फ्रेंच फ्राइज को कहीं ना कहीं थोड़े से स्पाइसेस में मिक्स किया है, एंड वी हैव अ मंचूरियन बॉल। सो यस, टेस्ट करते हैं। पहली बात तो जब फ्रेंच फ्राइज सब होता है, गर्म होता है, मज़ा आती है, एंड ऊपर एक मंचूरियन बॉल। ओके, एक बेसिक स्टार्टर मैं बोलूँ ना तो ये आप ऑर्डर कर सकते हो, बिकॉज जो एज ग्रुप होता है ना, समवेयर 8 to 14 या 15, अच्छा तो सबको लगेगा, बट दे विल एंजॉय इट दिस, बिकॉज फ्रेंच फ्राइज दे लव इट, एंड जो स्पाइसेस के साथ ये मिक्स किया ना, इट्स क्वाइट गुड। सो यस, ये हम्टी डम्टी आपको डेफिनेटली ट्राई करना है। तो हम्टी डम्टी, ये मैं थोड़ा स्लो बोला बिकॉज ये टंग ट्विस्टर है। तो हम्टी डम्टी के बाद बारी आती है क्रिस्पी टेम्पुरा सुशी की, एंड क्रिस्पी टेम्पुरा सुशी गार्निशिंग, मतलब मेयो सॉस, चिली सॉस, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेस मिल जाएंगे, तो 3-4 जनों तो सर्व करेंगे, सबको 2-2 पीसेस आएंगे, तो एक जो सुशी का टेस्ट है वो आप एंजॉय कर पाओगे इफ़ यू ऑर्डर दिस स्टार्टर। एंड साथ में चॉपस्टिक्स है, जिससे मुझे खाना शायद ही आता है, बिकॉज आई रिमेंबर मैंने पहले खाया था, बट आई एम नॉट सो गुड विद चॉपस्टिक्स, तो हंसना है तो आप हंस सकते हो, बिकॉज मेरे से उठने नहीं वाला चॉपस्टिक से। लेट्स स्टिल ट्राई, बिकॉज इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, लेट्स सी। ओके, नॉट सो डिफिकल्ट, ईजी था, मतलब यूजुअली मैं बोलूँ ना चॉपस्टिक सेपरेट होती है, दैट्स द रीज़न वो डिफिकल्ट होता है खाना, ये जॉइंट है। सो यस, अगर चॉपस्टिक्स से खाने का मन करे ना, ग्रीन ऑटो बैंड में आ जाओ, सुशी भी है, चॉपस्टिक्स भी, एंड वो भी इजीली उठा पाओगे, मतलब एटलीस्ट आप मेरे पे हंसोगे नहीं। तो यस, बाहर का लेयर देख लो, मतलब ये देखो सॉफ्टनेस आपको ऐसे ही समझ जाएगी, साथ में फ्लेवर्स एंड सॉसेस हैं, एंड सुशी का जो एक बेसिक टेस्ट है ना वो तो है ही, बिकॉज सुशी कैसी चीज़ है, जो मेन सुशी का टेस्ट है ना वो हमें चाहिए, बट साथ में जब ये कॉम्बिनेशन हो, वी हैव क्वाइट लाइक क्वाइट मोर थिंग्स गार्निशिंग में। देखो आप ये देख लो, थोड़ा सा क्रिस्पी ये है कुछ, समथिंग आई डोंट नो, प्रॉबेबली आई डोंट नो व्हाट दिस इज, बट इट टेस्ट लिटिल स्वीट। एंड यस, सुशी, वो भी क्रिस्पी सुशी, टेम्पुरा सुशी, आहा, ओह, ये तीन डिशेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बट इसके बाद ये एक मॉकटेल ड्रिंक तो बनता है,
तो ये है मैंगो बेरी एंड इसका कलर देख लो, मतलब येलो एंड ऑरेंज जो जूसेस मिक्स हुए हैं ना फ्लेवर्स के साथ टेस्ट करता है। एंड आपको इसमें ना ऊपर गार्निशिंग में देखो आपको दिख जाएगा ये थोड़ा, एंड साथ में स्टरर मिला है तो लाइक थोड़ा स्टर करके पी सकते हो, इट्स क्वाइट गुड। बिकॉज क्या है ये नीचे ना चला जाए ऊपर ना चला जाए, वी थिंक कि समटाइम्स पियेंगे तो लगेगा थोड़ा ऊपर टेस्ट आ रहा है नीचे अलग टेस्ट आ रहा है, तो वो टेस्ट को अगर सेम चाहिए तो स्टरर है साथ में पीते हैं। मेरी एक सिप इतनी बड़ी नहीं है, ये टेस्टी होता है, मतलब पीते रहो मतलब बिकॉज मैंगो बेरी, मैंगो का ऊपर टेस्ट था एक एंड नीचे थोड़ा सा ऐसा एक रहेंगे ना ऐसा स्पार्क था सोडा मैं बोल सकूंगा, तो समवेयर ये मैंगो, यस मैंगो बेरी इज़ गुड एंड मेरा ये फर्स्ट मॉकटेल हो गया। तो अब नेक्स्ट बारी आती है फायर सुशी की एंड वापस चॉपस्टिक से खाना है, लेकिन इट्स सो ईजी, मतलब मैं रुकी हूँ ऐसा अभी सीखा हूँ, बट ये देखो ये मैंने डाला तो ये उठा गया, मतलब ओके ये ज़्यादा ही सॉफ्ट है, मतलब ये जैसे आ रहा है वैसे टूट रहा है, ये देखो आप, तो मैं हाथ से खा लेता हूँ, बेटर, इट्स बेटर। सो सबसे पहले तो ये सुशी राइस एंड इसके अंदर मुझे दिख रहा है एलेपिनोस दिख रहा है मुझे, एवोकाडो दिख रहा है एंड सुशी राइस एलेपिनोस एवोकाडो एंड ये ऊपर सॉस मेयो सॉस है मे बी, लेट्स ट्राई। मुझे फायर सुशी थोड़ी बेटर लगी क्रिस्पी सुशी से, बिकॉज एलेपिनोस सबसे पहले तो एलेपिनोस एंड बाद में एवोकाडो का जो एक टच चाहिए ना वो था, एंड यस दिस इज़ मोर बेटर, बट ये भी अच्छा था एंड यस फायर सुशी नाम है, मे बी आई नॉट श्योर बट इसको फायर से गार्निश किया होगा ऊपर, बट इट्स गुड। तो अब बारी आती है मैक्सिकन भेल की, आ हा हा नाचोस के साथ इतने सादा चीज़ें, मुझे कौन तो ऊपर ही दिख रहा है, मेयो सॉस है ऊपर एंड ये देखो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, मतलब गार्निशिंग देख लो पिंक एंड ग्रीन सॉसेस है साथ में, तो ये जो दिखने में इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना एंड साथ में ये छोटा सा लेमन, तो नाचोस के साथ साथ हमें देखो इसमें मुझे कॉर्न दिख रहा है, कॉर्न के साथ साथ मुझे इसमें सॉस दिख रहा है, अंदर सॉसेस दिख रहा है एंड पूरा फील्ड है, मतलब बहुत चीज़ है इसमें। इसको हम टेस्ट करते हैं, लेट्स सी। इतने ज़्यादा फ्लेवर आ रहे ना नाचोस में, गेस कर पा रहा हूँ थोड़ा चिली, मतलब स्पाइसी का थोड़ा, नॉट सो स्पाइसी बट एक बेसिक स्पाइसी टेस्ट आ रहा है एंड उसके साथ साथ इसमें जेन्युइनली बोलूँ ना बहुत ज़्यादा चीज़ है, स्पेसिफाई करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, बिकॉज यहाँ पे ग्रीन ऑटो बैन ये मैक्सिकन भेल, मेरे को नॉर्मल भेल का पूछोगे ना मैं सब बता दूंगा, बट मैक्सिकन भेल का थोड़ा सा मतलब बहुत चीज़ है इसमें, मेरे को पता नहीं चल रहा है। ऐसे टेस्ट बेसिक मैं टेस्ट की बात करूँ तो स्पाइसी है थोड़ा, क्रिस्पी रहेगा एंड एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये मतलब बहुत ज़्यादा हैवी है बट मैं खा के ही छोड़ूंगा, बट खाने के साथ साथ एक और एक मॉकटेल ड्रिंक की बारी आती है कीवी मेंट कॉलेज। सबसे पहले तो मैं ग्लास की तारीफ़ करूंगा, जो ग्लासेस यहाँ पे यूज़ किए ना, पहले भी जो मैंगो बेरी था ना उसका ग्लास, ये कंपैरिजन देख लो मतलब डिफरेंशिएट कर पाओगे, ये थोड़ा सा बड़ा है ये थोड़ा सा छोटा है, बट हाँ शेप देख लो दोनों का बहुत अलग है एंड यस देखते हैं टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगेन मुझे और एक बात अच्छी लगी कि स्टरर है, बिकॉज जब ऊपर नीचे सेटल हो जाता है ना पोर्शन, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मिंट लिप्स थी, मैं मिंट लिप्स की बात करूँ कि लेमन की बात करूँ कि इसमें ना कीवी के पीसेस भी है, रुको मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो ये हाँ ये कीवी का पीस, ओके देखो जो प्रॉपर एक फ्रूट रहेगा ना ऐसा डाल देंगे, ऐसा सिर्फ ऐसे नहीं कि फ्लेवर्स है एंड समथिंग, नो एग्जैक्टली कीवी है इसमें, सोडा मिंट लिप्स लेमन, हाँ हाँ यूजुअली अगर आपको कीवी अच्छी लगती है ना देन इसको आप
लिस्ट में ऐड कर देना बिकॉज टू गुड नेचुरल एक ड्रिंक मॉकटेल चाहिए ना, तो मैं इसको एकदम नेचुरल में कंसिडर करूँगा। यस, ड्रिंक पी के मज़ा आ गया। एंड अब बारी आती है चारकोल पनीर टिक्का की। एंड मैंने पहले भी बोला था, मैं वापस बोल रहा हूँ कि ये चारकोल मतलब पनीर टिक्का तो हम खाते हैं, बट चारकोल पनीर टिक्का आपको ये थोड़ा सा ब्लैक पीसेस दिखेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, एंड उसके बीच में मुझे दिख रहा है ये कैप्सिकम दिख रही है मुझे, एंड मे बी नॉट श्योर, हाँ बेल पेपर है कैप्सिकम, एंड साथ में बहुत प्रिटी गार्निशिंग है, मतलब फ्लेवर्स है साथ में, देखो एक मतलब एक कंप्लीट डिश लगे ना, तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ देख के, बिकॉज इट्स लुकिंग टू गुड। एंड अब मैं टेस्ट करूँगा चारकोल पनीर टिक्का, इट्स समथिंग न्यू फॉर मी बिकॉज पनीर टिक्का तो खाते थे, एंड ये कुछ नया है। मैं बाइट भी नहीं कर रहा हूँ, देखो सिर्फ रख रहा हूँ ना, मैंने बाइट किया, मैं सिर्फ रखा, कट हो रहा है। ब्लैक देख के हमें स्ट्रांग लगता है ऐसा, एकदम एलिगेंस पावर लगता है, बट नहीं, जितना बाहर से पावरफुल लग रहा है उतना ही सॉफ्ट है। एंड चारकोल पनीर टिक्का खाओगे ना, ये कुछ डिफरेंट ट्राई करोगे ना, पनीर टिक्का थोड़ा रह जाएगा, बिकॉज पनीर टिक्का हम हमेशा ऑर्डर करते हैं, मतलब हम में मैं बोलूँ तो मैं तो करता हूँ, बट अब शायद शिफ्ट करना पड़े चारकोल पनीर टिक्का। हाँ चारकोल मतलब जितना ऐसे देखने में आपको लगेगा इट तो थोड़ा ब्लैक है, हम बोलेंगे ब्लैक है, बट नहीं 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 नहीं, इसके लुक पे मत जाओ, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, खा के देखो बहुत अच्छा लगेगा। तो अब बारी आती है जैक फ्रूट ऑलिव सीख कबाब की। एंड सबसे पहले तो इसमें मैं बोल दूँ एक दो तीन चार चार पीसीस है, तो अगर आप दो जन आ रहे हो दैन आप ये ऑर्डर कर सकते हो, बिकॉज इट कुड लाइक यू कैन टेक टू एंड टू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड साथ में बहुत अच्छी थी मुझे गार्निशिंग, मतलब ये यहाँ पे ना हर चीज़ डिश में मैं देख रहा हूँ गार्निशिंग बहुत अच्छे से करता है, देख के ही बहुत अच्छा लगता है, आप देख सकते हो। फोर पीसीस है जैकफ्रूट ऑलिव सीख कबाब, मतलब सबसे पहले मैंने पनीर टिक्का बोला तो वो चारकोल पनीर टिक्का हो गया, अब मैंने सीख कबाब बोलूँगा तो इसमें आ गया जैकफ्रूट सीख कबाब, टेस्ट करते हैं। एंड मैं ग्रीन चटनी को नहीं भूलूँगा, उसके साथ ही कबाब खाने का मज़ा आता है। आहा हा, ग्रीन चटनी के बिना कबाब खाया मतलब मैंने ना गुनाह कर दिया, ऐसे मैं बोलूँगा। ओके, ओके, ये चीज़ था ऊपर थोड़ा सा चीज़ था। एंड ये सीख कबाब की तारीफ मैं करूँ, मेरे को लग रहा है उससे ज़्यादा इस चटनी की तारीफ करनी चाहिए, बिकॉज इसके साथ ही इसका टेस्ट आएगा। मैं अगर रुका खाऊंगा ना मे बी मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, बट चटनी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब ये अगर रुका रहेगा ना मे बी मैं बोलूँ कि नहीं सीख कबाब ऑर्डर ना करना ही करना चाहिए, बट ये रहेगा ना ऐसे लगता है पूरा ही खा जाओ यार, सही है। अब बारी आती है एक नई डिश की, मतलब आप कंफ्यूज तो होगी आपको क्या खाना है, ऐसा यूजुअली होता नहीं बिकॉज वी ऑलवेज श्योर व्हाट वी वांट टू ईट, बट अगर आप कंफ्यूज हो तो ये ऑर्डर कर लो। बिकॉज बीच में है कैनवा, ऊपर गार्निशिंग में एवोकाडो, एंड फिर अगर आपको खाना है अमेरिकन कॉर्न के साथ तो अमेरिकन कॉर्न है, फिर आपको सालसा सॉस है, सर क्रीम है, गोकमलई है, राजमा है, ब्रोकली है, मतलब इतना सब एक साथ, बट ये कैसे मतलब मिक्स करके, बट नहीं हमारे पास सॉस है तो तीन सॉस है हमारे पास। अगर मैं ये तीन सॉस की बात बोलूँ तो मैंगो चुंदा दिख रहा है मुझे, उसके साथ हनी मस्टर्ड दिख रहा है, एंड साथ में ताजी की, ओके सर मेरी थोड़ी हेल्प कर रहा है, ताजी की है ये, तो तीन सॉस मैंने दो आइडेंटिफाई कर लिए थे, एक में कैसे मैं छूट गया, चलो ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, नहीं 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 नॉट अकॉर्डिंग टू मी, यूजुअली सब कैसे खाते हैं। सो फर्स्टली एक प्लेट लगेगी बिकॉज ऐसे मैं नहीं खा पाऊँगा, सो यर आई हैव माई प्लेट, मेरे को स्पून लेनी पड़ेगी, तो यर आई हैव माई स्पून, अब इसको मैं क्या बोलूँ, स्पून बोलूँ कि फोक बोलूँ, अच्छा ठीक है दो जो भी है ये, ओके ओके ओके, जोक सपाट मतलब पीजे था थोड़ा, बट ठीक है जोक सपाट। तो सबसे पहले मैं कैनवा ले लूँगा थोड़ा सा, ओके ये इजी पड़ रहा है बहुत, बिकॉज ब्रेक भी हो रहा है एंड पिक भी हो रहा है, ओके ग्रीन ऑटो कैड, ये कुछ नया है यार, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो मैंने
ये क्या है, मैंने कैनवा ले लिया, सॉरी कैनवा ले लिया, साथ में एक छोटा सा एवोकाडो भी ले लूँगा मैं। अच्छा ये स्पून से नहीं आएगा, सॉरी मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगी स्पून तो मैं उससे ले रहा था, एंड साथ में मैं सब थोड़ा थोड़ा टेस्ट करूँगा। तो ये अमेरिकन कॉर्न आ गया, ये सलसा सॉस आ गया थोड़ा सा, ये सर सॉस आ गया, ये गुकमली आ गया, मैं थोड़ा सा राजमा भी ले लूँगा, सब ले लूँगा फिर खाऊँगा अलग अलग सबके साथ, एंड एक छोटी सी ब्रोकली। ओके एंड अब तीन सॉस है हमारे पास, तो इसके लिए मेरे को एक अलग स्पून लगेगी, बिकॉज ये स्पून नहीं है, इसको मैं क्या बोलूँ, फोक स्पून। तो मैं खाऊँगा हनी मस्टर्ड के साथ, लेट्स सी कैनवा हनी मस्टर्ड, एंड मैं क्या लूँ, चलो मैं ले लेता हूँ थोड़ा अमेरिकन कॉर्न के साथ खा लेता हूँ, लेट्स सी। कैनवा मुँह में रखो गायब, जेन्यूनली मुँह में रखो गायब। तो कैनवा तो चला गया, मतलब आई एट कैनवा, तो बचा क्या, ये मस्टर्ड बचा, कस्टर्ड बचा एंड अमेरिकन कॉर्न। अब मैं जाऊँगा मैंगो चुंदे के साथ। ओके मैंगो। साथ में मैं कैनवा, तो ऑब्वियसली कैनवा लेना पड़ेगा, एंड साथ में सालसा सॉस एंड सर सॉस दोनों साथ में ले लूँगा इस टाइम मैं, लेट्स सी। ओके थोड़ा खट्टा था, मे बी सालसा सॉस है इसलिए, सर सॉस का मेरे को टेस्ट नहीं आया इसमें, बिकॉज सालसा सॉस की क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो सालसा सॉस। कैनवा तो एज यू नो सॉफ्ट है, लाइक फटाफट खा जाओगे, एंड मैं सालसा सॉस बोलूँ तो खट्टा था, खट्टा अच्छा लगता है ना, सालसा सॉस के साथ खाना, ये फैमिली डिश है, मतलब जिसको जो अच्छा लगता है वो ले सकते हो। अब मैं खाऊँगा ताजिकी के साथ। ओके ये सर ने हेल्प की थी, बट अब मेरे को याद है ताजिकी इसका नाम है, ताजिकी कैनवा, एंड अब बचता क्या है, ब्रोकली बचती है, एंड एवोकाडो मैं साथ में मिक्स करके खा लूँगा, बिकॉज एवोकाडो इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड सो डू ब्रोकली। ताजिकी इज सिमिलर टू कस्टर्ड, दही मेरे को ऐसे लगा, एंड कैनवा ये रेयर चीज़ है कैनवा बहुत, बिकॉज हर एक डिश कैनवा के साथ खाओगे ना कुछ डिफरेंट आएगा, एंड ब्रोकली वी ऑल नो वेजिटेबल है, कैनवा के साथ अच्छा ऑप्शन था, एंड ताजिकी कस्टर्ड मतलब ऐसा क्या बोलते कर्ड जैसा था, एंड यस ये कम्प्लीट हो रहा है, एंड फैमिली डिश मैं अकेला खा गया। तो अब एक्चुअल मेन कोर्स पे आऊँगा, एक्चुअल मेन कोर्स में वी ऑल नो रोटी के बिना मेन कोर्स अधूरा है, तो मेरे पास रोटी का बकेट है, तो रोटी का बकेट आ गया है, इसमें मुझे तीन वेराइटीज़ दिख रही है, एक है बटर कुलचा, ये बटर नान है, एंड हाँ बटर नान है, एंड लच्छा पराठा, एंड साथ में इसको मैं अभी पूरा टेबल फुल है तो इसको मैं यहाँ रख दूँगा साइड पे थोड़ा सा, इसको मैं सर्व कर लूँगा पनीर लबाबदार। मैं बोलूँगा पनीर लाजवाब लबाबदार। ओके तो सबसे पहले तो क्रीमी टेक्सचर है थोड़ा सा ऊपर, पनीर का मैं एक पीस लूँगा, एंड साथ में ग्रेवी को ऐसा, ग्रेवी पनीर कैसा ना, लाइक व्हेन वी ईट वेज पनीर इज़ अ लाइक एकदम ऐसा मस्ट ऑप्शन, एंड ओके सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, तीनों के साथ थोड़ा थोड़ा खा के मैं बता देता हूँ कि कैसा है, एक स्मॉल बाइट लूँगा बिकॉज काफ़ी हैवी था ये, तो लेट्स सी। वाओ ओके पनीर तो देख लो, पहले मैंने ग्रेवी के साथ खाया था पनीर, नान का एक टेस्ट होता है, लच्छा पराठा डिफरेंट काउंट करूँगा मैं, एंड बटर नान हो गया एंड बटर कुलचा हो गया, तो लच्छा पराठा अलग हो गया, बट कैसा है पता है, हमें जो हम जो खाते हैं आप वो ऑर्डर करो, बिकॉज पनीर लाज लबाबदार, मतलब पनीर लबाबदार का टेस्ट है ना इतना ज़्यादा है ना, आप थोड़े से कुलचा का टेस्ट नान का टेस्ट थोड़ा ऐसा स्पेसिफाई नहीं कर पाओगे, बट इफ़ यू ऑल ईट रेगुलरली नान देन विथ नान एंड डिपेंड्स ऑन यू, बट ये पनीर लजब पनीर
ये पनीर का जो ये था मतलब बहुत सही था, एंड यू कैन ट्राई इट विथ वॉट एवर यू आर कन्वीनियंट। अब फाइनली मैं अपना मेन कोर्स कंप्लीट करूँगा, एंड हम सबको पता है मेन कोर्स कंप्लीट कैसे होता है, राइस के साथ होता है। बट राइस तो है नहीं, आई मीन स्टीम राइस नहीं है, बट वी हैव अल्टरनेटिव जो है हैदराबादी बिरयानी। एंड नाशिक रीन, तो कहाँ पे है? ओके, मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आपको ये पूरा बड़ा सा मिल जाएगा। ओके, ये मतलब अच्छा लग रहा है। एंड बिरयानी के फैन कौन कौन हो, हाथ ऊपर करो। ओके, मैं भी बिरयानी। ओके, मैं सर्व कर लूँगा खुद के लिए, यहाँ पे बिरयानी सर्व कर लूँगा। क्या फ्रेग्रेंस आ रही है, जेन्यूनली मतलब मैंने बहुत कुछ खाया बट ये फ्रेग्रेंस मतलब मुझे बोलना पड़ा, इतना अच्छा लगा। तो ये सब हो गया है, आई कीप दिस डाउन साइड। अब मुझे देखना है नाशिक री एंड इसकी गार्निशिंग, मतलब ये राइस है क्या, आई एम नॉट श्योर। हाँ राइस ही है, बिकॉज ओके हमें ये गार्निशिंग दिख लो आप, ए वन साइड अदर साइड एंड इन मिडल वी हैव पनीर स्टिक। ओके, ये मतलब राइस ऑर्डर करोगे ना तो सिर्फ रूखी राइस नहीं है, आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं आजू बाजू, बट मेन चीज़ तो राइस है। सो मैं पनीर को ये साइड में रखूँगा बिकॉज ये खाऊँगा मैं, एंड आई सर्व माई सेल्फ टू लाइक टू स्पून ऑफ नाशिक रीन, मतलब नाशिक हैदराबाद। ओके, टू स्पूंस ये सर्व हो गया। एंड अब फाइनली ये जब मैं खाऊँगा, मैं कुछ ड्रिंक, एक लास्ट ड्रिंक बची है, एंड ड्रिंक बच्ची है जिसका नाम है जिंजर ट्विस्ट। बट ये ग्लास यार, मतलब तीनों ग्लास इतने डिफरेंट से, ये मेरा फेवरेट है, मतलब क्या अच्छा लग रहा है। तो पहले हैदराबादी बिरयानी एंड नाशिक रीन के साथ मैं एक दो सिप लूँगा जिंजर ट्विस्ट की। तो सबसे पहले फेवरेट चीज़ है बिरयानी, फंक्शंस की बिरयानी का टेस्ट मैं बोलूं, या फिर मैं बोलूं कोई स्पेसिफिक पार्टी का बिरयानी का टेस्ट। हम मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं फंक्शंस पार्टी को, क्यों? बिकॉज मुझे ग्रीन ऑटो बैन की बिरयानी को थोड़ा साइड में रखना है। ये डिश को मैं अपने फेवरेट ऐड टू मेन्यू, ऐसा ऐड टू कार्ट में ऐड करूँगा जब मैं ग्रीन ऑटो बैन आऊँगा, बिकॉज बिरयानी यार, ये ग्रेवी, बिरयानी राइस, बिरयानी का क्या पता है टेस्ट, मतलब टेस्ट भी बोलेगा। एंड बिरयानी तो ये, अब नाशिक ग्रीन के साथ पनीर आया था तो नाशिक ग्रीन एंड ये पनीर के पहले, राइस के पहले मैं पनीर खाऊंगा। ओके, तो राइस की सॉफ्टनेस को मैं साइड में नहीं रखूँगा, उसको पहले लूँगा मैं, बिकॉज वो तो आ गया। दोनों में राइस डिफरेंट यूज़ की है, बिकॉज ये बिरयानी की राइस थोड़ी सी ऐसा, जो राइस रहता है ना बड़ा है, एंड ये थोड़ा छोटा है। एंड समवेयर मैं बोलूँगा ये नाशिक ग्रीन में फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा हूँ, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। बिरयानी तो एडेड, तो अगर राइस में मुझे पूछो कि आई मीन से बिरयानी इज़ बेटर। एंड अब बारी आती है जिंजर ट्विस्ट की, ये फाइनल आ, मतलब ओके थोड़ा सा हिल गया बट बच गया, मैं थोड़ा सा स्पिल हो गया, इट्स ओके। एंड जिंजर ट्विस्ट, मतलब कलर से तो मुझे लगा ये क्या होगा, एप्पल, चेरी, स्ट्रॉबेरी, नो 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 नो, जिंजर ट्विस्ट। गला ठीक हो जाएगा, मतलब जिंजर से गला अच्छा होता है, इतना स्ट्रॉन्ग जिंजर है ना इसके अंदर, मतलब जिंजर को अच्छे से पूरा क्रंच किया होगा, मतलब जो एक जिंजर हम डालेंगे ना, वो जिंजर का जो एक ऐसा, यूजुअली एक दो ड्रॉप्स नहीं होंगे, पूरा जिंजर ही ऐसा गले के लिए अच्छा है। बट कैसे पता है, समटाइम्स वी हेट जिंजर बिकॉज जिंजर हो जाता था, बट नहीं गले में अच्छा है, बिकॉज ये पता नहीं कॉम्बिनेशन क्या है इसके अंदर, बट ये ड्रिंक काफ़ी अच्छा है, इट्स गुड। ऐसा हेल्दी बोल पाऊंगा मैं, नॉट ऐसा परफेक्टली हेल्दी, बट यस इट्स हेल्दी, एंड यस
here I complete my special menu of Green Autobahn. तो ये फाइनली ये ग्रीन ऑटोबैन का मेन्यू मतलब ये स्कैन करके ऑर्डर इतना कर दिया ना, बट एक और चीज़ ऑर्डर की थी बिकॉज डिनर एक चीज़ के बिना अधूरा है. गेस व्हाट, 3, 2, 1 मैं बताता हूँ, डेजर्ट. एंड डेजर्ट में मेरे पास पुल मी अप केक. स्ट्रॉबेरीज ऊपर, ड्राई फ्रूट्स ऊपर, ये चॉकलेट, पूरा चॉकलेट सॉस ऊपर है, अंदर मुझे केक एंड क्रीम दिख रही है, मुझे केक एंड क्रीम जो बेसिक केक रहता है ना वो है. एंड चलो टेस्ट करते यार इसका डेजर्ट. ब्रेड का लेयर, क्रीम का लेयर, ब्रेड का लेयर, क्रीम का लेयर, ऊपर है चॉकलेट, ऊपर है स्ट्रॉबेरी, ड्राई फ्रूट. यार डेजर्ट भी मतलब जितना मेन कोर्स पे ध्यान दिया है ना सबने, ऐसा होटल की जो डिशेस पे, गार्निशिंग का बोलूँ, टेस्ट का बोलूँ, डेजर्ट पे भी उतना ही ध्यान दिया. मतलब हम होटल में बहुत अलग अलग टाइप के डेजर्ट्स खाते हैं, वी ऑल नो, आइसक्रीम्स बोल दो या फिर ब्राउनी बोल दो, यूजुअली सिजलिंग ब्राउनी भी आ गई उसमें, कुछ भी आ गया, बट पुल मी अप केक एंड ये मतलब जेन्युइनली यम्मी. तो ग्रीन ऑटोबैन ये प्लेस, यहाँ के मैं अपने पर्सनल रिव्यूज़ दूँ तो सबसे पहले आता है यहाँ का खाना. तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है बिकॉज जब मैंने स्कैन किया था ना तो मेन्यू आता गया आता गया आता गया. एंड अच्छी बात क्या पता है, स्टाफ नहीं है, स्कैन करो, सिलेक्ट करो, टोकन नंबर डालो, ऑर्डर प्लेस्ड. तो ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ की. उसके बाद अगर खाने में मैं और डीप जाऊँ तो चारकोल पनीर टिक्का था, मतलब चारकोल हो गया. फिर मैंने खाया था जैक फ्रूट सीख कबाब, तो जैक फ्रूट हो गया. एंड उसके बाद मैं बोलूँ तो कैनवा, ये चीज़ें बहुत रेयर है जो ग्रीन ऑटोबैन में मिलती है. उसके बाद मैं डेजर्ट की बात बोलूँ तो डेजर्ट भी मतलब पुलमी केक था, मतलब पुलमी अप केक था यहाँ पे. यार वो भी रेयर है, मतलब हम डेजर्ट्स में बहुत कुछ खाएंगे, जो ब्राउनी रहती है वो यहाँ पे है, बट उसके साथ साथ ट्रैश लीच है, ये पुलमी अप केक है, ये सब चीज़ें बहुत रेयर है. एंड रेयर चीज़ें यहाँ पे मिल रही है. तो मैं मेन कोर्स की बात बोलूँ तो बिरयानी एंड बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे. राइस में भी मतलब हर एक चीज़ में ना ऑप्शंस तो है ही, बट ऑप्शंस के साथ साथ है ना एक मेन चीज़ मेरे को क्या अच्छी लगी जो है प्लेटिंग, गार्निशिंग. मतलब प्लेट देखोगे ना प्यार हो जाएगा, बहुत अच्छे से सर्व करते हैं. एंड मॉकटेल्स, मॉकटेल्स में बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ अवेलेबल है. एंड उसके बाद मैं बोलूँ तो आपको यहाँ पे बार है, मतलब अगर आप अल्कोहल ड्रिंक करते हो तो बार तो आपको दिखता होगा, तो बार अवेलेबल है. तो खाना बहुत ज़्यादा डन, वो भी बारकोड स्कैन करके. उसके बाद डेजर्ट्स, अलग अलग नए नए डेजर्ट्स है, वो भी डन. उसके बाद मैं बोलूँ तो बार, बार आ गया. एंड जब ये तीन चीज़ रहती है तब एक चीज़ और ऐड करूँ मैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा. तो वो चीज़ क्या है, म्यूज़िक. यहाँ पे म्यूज़िक अवेलेबल है तो गाने सुन पाओगे. एंड उसके साथ अगर मैं एक और चीज़ ऐड करूँ तो और मज़ा आ जाएगा, वो है प्रोजेक्टर. तो अगर लाइव मैच चल रही है, चाहे वर्ल्ड कप हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, फीफा वर्ल्ड कप हो, या कुछ भी लाइव जो आता हो टीवी पे, आपको यहाँ बड़ा प्रोजेक्टर मिल जाएगा. प्रोजेक्टर के साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन भी अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं मज़ा तो बहुत ज़्यादा आएगा. एंड सब चीज़ों को मैं हटा के बाद बोलूँ तो यहाँ का मेन कंसेप्ट है स्मार्ट रेस्टोरेंट. खाना आएगा ट्रे में, स्टाफ नहीं है, ऑर्डर करो, खाना ट्रे में आएगा, उठाओ ट्रे चली जाएगी, मतलब एक ट्रेन जैसा आएगा. उसके साथ साथ और एक चीज़ है जहाँ पे, जैसे कि मैं बोलूँ स्मॉल स्मॉल ड्रिंक्स रख दिए या फिर डेजर्ट रख दिए, वो तो घूमता रहता है नॉनस्टॉप. तो यस, ये कंसेप्ट बहुत नया है, मतलब आज तक मैंने कंसेप्ट कहीं नहीं देखा जहाँ पे स्टाफ नहीं है, मतलब खाना खुद आएगा, खुद ऑर्डर करो, खुद खाना आएगा. एंड कुछ क्वेरीज है उसके लिए स्टाफ आपको मिल जाएंगे. बट ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. मैं आपको पहले बोला था कि स्मार्ट रेस्टोरेंट होता क्या है, बट स्मार्ट रेस्टोरेंट मैं ऐसा अब नहीं सोच पाऊँगा, कन्फ्यूज़ नहीं होऊंगा कि स्मार्ट रेस्टोरेंट क्या होता है, अब पता चल गया. एंड ये जगह पे विजिट तो बार 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 करना बनता है बिकॉज वो ट्रेन जब आती है ऐसा लाइव खाना किचन में से निकलेगा, ऊपर से वो ट्रैक किचन में जाता है, तो किचन में से खाना आएगा, लाइव लोगे एंड खा पाओगे. तो खाना बहुत सही है, बार भी है, पी भी सकते हो, मैच भी देख सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग है यहाँ पे, एंड उसके साथ साथ गाना नाचना भी है. तो ओवरऑल प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छी है. एंड उसके साथ साथ मैं बोलूँ तो अगर आपको पार्टीज करनी है तो ये प्लेस पे आप पार्टीज भी कर सकते हो. बस आप बता दो कितने लोग हो,
यहाँ पे 100-120 तक तो आराम से आ सकते हैं। 120 जन मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज उन लोगों को खाना पीना डेजर्ट म्यूजिक प्रोजेक्टर सब मिल रहा है, प्लस ये एम्बियंस ये लाइट्स बहुत ज़्यादा है। अच्छी प्लेस है, एंड प्लेस तो अच्छी है, बट प्लेस का लोकेशन क्या है? तो लोकेशन की बात मैं करूँ तो घाटकोपर वेस्ट में RCT मॉल में आपको दिख जाएगा ग्रीन ऑटो बैन, जो है 3rd फ्लोर पे। तो अगर आपको ग्रीन ऑटो बैन आना है तो आप आ सकते हो, एंड आने के लिए आपको नाम नोट करना पड़ेगा, एंड नाम तो मैं कब से बोल रहा हूँ जो है ग्रीन ऑटो बैन। ओवर एंड आउट।